आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। समाज एवं राष्ट्र की सेवा से जुड़े लोगों का आभा मंडल अपनी अलग ही आभा से सुशोभित होता है। ऐसे ही आभा मंडल के धनी सादा जीवन उच्च विचार के शिरोधारी करने वाले सतीश शोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय से जुड़े श्री रामचंद्र सैनी के 75वें जन्मदिन पर सत्य शोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय के संयोजक सुनील सरदार के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश व इंदौर इकाई के पदाधिकारियों ने श्री सैनी का शॉल, श्रीफल एवं सम्मान पत्र भेंट कर अभिनंदन किया। इस दौरान नौलखा स्थित हार्डिया गार्डन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय के प्रदेश संयोजक हुकुमचंद जादम सैनी ने कहा कि श्री रामचंद्र सैनी के साथ वे पिछले 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं और हमेशा हर कार्य में उनका पूर्ण सहयोग मिलता है। पिछले 15 वर्षों से सत्यशोधक समाज द्वारा आयोजित जाति जोड़ सम्मेलन में भी श्री सैनी की सक्रिय सहभागिता उल्लेखनीय है। ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव यादव काका ने कहा कि श्री रामचंद्र सैनी राष्ट्र व समाज की सेवा का जज्बा लिए हुए हमेशा सबकी मदद करते हैं। यही कारण है कि आज उनके 75वें जन्मदिन पर उनके चाहने वालों का मेला लगा हुआ है। आज अपने 75वें जन्मदिन पर श्री रामचंद्र सैनी ने सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय के सभी पदाधिकारियों के साथ ही आने वाले सभी आगंतुकों का आभार मानते हुए कहा कि सबका प्रेम हमेशा बना रहे, यही मेरी आशा है। इस दौरान ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के युवा प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादव जयगोपाला ने श्री सैनी से केक की बजाय सेवफल कटवाकर सेवफल का महत्व बताया। इस अवसर पर मुख्य रूप से सैनी परिवार से श्रीमती सरस्वती रामचंद्र सैनी, सत्यनारायण सैनी, नरेंद्र सैनी, मोहनलाल सैनी, सतीश सैनी, जगदीश सैनी, सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय एवं ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा से हुकुमचंद जादम सैनी, सदाशिव यादव काका, दीपक मालोरिया रानू, कैलाश चंद्र साहू, अशोक यादव जयगोपाला, अशोक नालिया, यतेंद्र चौहान, दिनेश चौहान सहित बड़ी संख्या में स्नेहीजन उपस्थित थे। समाज को धन्यवाद दूंगा, वो सब पधारे उसके लिए उनका आभारी हूं और हमेशा जो है ये उम्मीद करता हूं कि जब भी मैं प्रोग्राम करूंगा तो वो हमेशा इसी प्रकार से पधारेंगे और सहयोग प्रदान करेंगे और आशीर्वाद देते रहेंगे। अपने जीवन के 75 वर्ष पूर्ण किए समाज सेवा, राष्ट्र सेवा में, आगे क्या, किस तरह से आगे गतिविधियाँ चलेगी? आगे भी सत्यशोधक समाज और समाज की सेवा करता रहूँगा। जी के 75वें जन्मदिन पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहे और इनकी प्रेरणा से हम भी समाज की सेवा करते रहें। क्या है कि दादा का आदेश हुआ सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय दिल्ली से माननीय सुनील सरदार का कि जाके सैनी जी का आप सम्मान कीजिए, और ये कम से कम सैनी जी और हम 35 साल से समाज के काम में सेवा कर रहे हैं। इनकी एक विशेषता ये रही है कि जो भी मैंने काम किया है, जो भी काम लेके आए हैं, इन्हें कभी मना नहीं किया है। विशेषता ये है, चाहे दिल्ली की रैली हो, चाहे यहाँ आंदोलन हो, धरना प्रदर्शन हो, और सत्यशोधक समाज में हम जाति जोड़ो उत्सव आज कम से कम 15 साल से कर रहे हैं, वो कभी भी किसी काम को इनने पीछे नहीं हटा है। इनकी एक खासियत ये रही है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो,
चाहे कहीं भी हो, किसी भी जगह आप बुलाओगे, वो ज़मीन पे बैठ के कहाँ से खाना भी खा लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं। वो कभी भी किसी से मतलब घृणा नहीं करते हैं कि ये गरीब है या ये चमार है या वाल्मीकि है या बलई है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 15 साल से इन्होंने जो हमारे साथ में जो काम किया है शत्रुशोधक समाज में, वो काम कोई नहीं कर सकता है, और शुरू से लेकर आखिरी तक अभी स्तंभ की तरह खड़े हैं। कुछ नहीं, मेरे बड़े भाई रामचंद्र जी सैनी, करीब 46 साल से मेरे संबंध हैं इनके, और ये सत्सो समाज ओबीसी पिछड़े वर्ग के अंदर इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। इनको जब भी कोई काम पड़ता है, ये खाना बना के खुद अपने हाथों से खिलाकर खुश रहते हैं, और इन्होंने समाज के लिए भी बहुत से ऐसे काम किए हैं, और समाज में भी इनकी बहुत वो है। इन्होंने आज समाज के कई घर को जोड़ा है, और कई ब्याह शादी में आज सबसे बड़ा परिवार है इनका, और ये सबको ले कर चलते हैं। आज इनके जन्मदिन पे हमें बड़ी खुशी है, इसलिए आज हम धन्यवाद देने आए। जन्मदिवस पे केक की जगह सेवफल कटवाने का तात्पर्य यह है कि हम देखते हैं किसी को शुगर है, किसी को अंडे नहीं खाना है, किसी को ये नहीं करना है, तो फल का सेवफल कटवाने से ये होता है, एक तो स्वास्थ्य वर्धक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, बड़ा हो, हर व्यक्ति सेवफल से खुश होता है, उसमें कोई भी शरीर के लिए हानिकारक नहीं रहता है। आज हम लोग जो जन्मदिवस में आए हैं सैनी जी के, आदरणीय बाबूजी मेरे हिसाब से लगभग 15-16 साल की उम्र से जनसेवा करते हुए आए हैं, और हमें इनके मार्गदर्शन में हम लोग भी साथ में सेवाएं कर रहे हैं।